के साथ जुड़ी दूसरी आपदा खड़े संपूर्ण मानव 2 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष गेट है और यहाँ से होते हुए आप सीधे अंदर जाएंगे। बहुत कुछ नया आपको देखने। वेलकम बैक टू द चैनल एक बार फिर से। मैं हूँ आपके साथ अमन। तो गाइस यार अभी मैं हूँ इनकम टैक्स तारामंडल के पास। और गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ महीने पहले तारामंडल की इनॉग्रेशन की गई थी। तो गाइज आज है 10 अप्रैल और आज के दिन से इसकी ओपनिंग कर दी गई है। वैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पर इसकी ओपनिंग भी हो चुकी है। तो क्या कुछ शो का टाइमिंग है, कैसे आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना है, ये तमाम चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज चलिए पहले मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ और क्या कुछ होने वाला है, कैसा शो है, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए फिर मैं आपको सीधे अंदर लेकर चलता हूँ। ये रहा सामने इनकम टैक्स और जैसे ही आप इधर आएंगे सामने आपको इधर एक एंट्री गेट मिलेगा और उस साइड यानी मौर्य लोग की तरफ से भी एक एंट्री गेट है, तो आप उस तरफ से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गेट पर सारा कुछ डिटेल जो है वो चिपकाया हुआ है कि कैसे आप यहाँ पर शो बुक कर सकते हैं और क्या चार्जेस वगैरह लगने वाली है। वैसे ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो वैसे आप यहाँ देख सकते हैं गार्ड वगैरह लोग भी हैं और यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग जो है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और पार्किंग चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो 10 रुपये पार्किंग चार्ज लगने वाली है। जैसे पहले आप यहाँ पर आते थे और सारा कुछ यहाँ पर आपको शो जो देखने को मिलता था ठीक उसी तरह से है, बस एक नए तरीके से और नया रिनोवेशन किया गया है। तो कुछ अलग देखने को मिलेगा शो में आपको, बाकी हर चीज़ आपको उसी तरह से देखने को मिलेगी। यहाँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरती से इसे सजाया भी गया है, काफ़ी नया लुक दिया गया और बिल्डिंग की तो क्या ही बात करूँ गाइस, काफ़ी प्यारा लुक है इसका। तो आइए अब मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ और कहाँ पर टिकट काटा जा रहा है और क्या चार्जेज हैं और कैसे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए फिर मैं आपको सीधे अंदर लेकर चलता हूँ। भाई सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं वो रहा है एक गेट और इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए एक उस तरफ भी आपको गेट देखने को मिलेगा। और बात करूँ इस तारामंडल की तो भाई ये रही उसकी बिल्डिंग और सामने आप देख सकते हैं टिकट काउंटर भी है जहाँ पर लोगों की भीड़ भी लगी हुई है। तो अभी हम 11 बजे वाला जो शो था उसे मिस कर चुके हैं, तो 12 बजे वाला मैं आपको शो दिखाऊंगा और दो तरह की यहाँ पर शो आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस आइए पहले टिकट कैसे बुकिंग करते हैं और क्या कुछ शो का टाइमिंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको dstbihar.softelsolution वाले वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले आपको लॉगिन dst पर क्लिक करना होगा और यहाँ आने के बाद आपको एक इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको सबसे पहले साइनअप करना होगा। साइनअप करने के लिए आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना होगा। और जैसे ही आप साइनअप करेंगे उसके बाद फिर से आपको साइन इन वाले पेज पर आना होगा जहाँ आपको एक बार फिर से अपना मोबाइल या ईमेल नंबर डालकर जो पासवर्ड क्रिएट किए हैं उन्हें डालना होगा। और साइन इन करते ही आप सीधे एक नए पेज पर चले आएंगे जहाँ आपको पटना और दरभंगा इन दोनों जगह के तारामंडल का टिकट बुक करने की फैसिलिटीज इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा पटना का तारामंडल, वहीं नीचे दरभंगा प्लैनेटेरियम कम साइंस म्यूजियम, इन दोनों जगह की टिकट आप इस वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। तो गाइज आइए पहले मैं आपको यहाँ पर इसका टिकट बुक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप किसी भी डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही शो की टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 बजे से इसकी शो की शुरुआत होती है और ये 11 बजे से शुरू होकर 6:20 तक चलेगी। और गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं दो तरह के शो यहाँ पर चलने वाले हैं, पहला VR स्टार्स और एस्ट्रॉइड मिशन एक्सट्रीम, ये दो तरह के शो चलाए जाएंगे जिसमें हिंदी और इंग्लिश वाले भी शो रहेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं 11 बजे वाला शो और नीचे 6:20 वाला ये जो दो शो है ये दोनों इंग्लिश में चलाए जा रहे हैं, बाकी सारे जो शो हैं वो हिंदी में रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में। तो कोई भी सा आप यहाँ पर जो भी आपका टाइमिंग सुटेबल है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको बुक नाउ पे क्लिक करना होगा तो एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जहाँ आप देख सकते हैं नॉर्मल विजिटर यानी 15 साल से लेकर ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको 100 रुपये चार्ज किए जाएंगे, वहीं 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको 60 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। वहीं फॉरनर की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए 300 रुपये चार्ज लगने वाले हैं। साथ ही अगर स्कूल स्टूडेंट हैं जिनका 20 लोगों का ग्रुप है तो उन्हें 20 रुपये टिकट चार्ज किए जाएंगे। साथ ही अगर पूरे स्लॉट अगर आप बुक करना चाह रहे हैं स्कूल के तरफ से तो यहाँ पर आपको 193 सीट्स देखने को मिलेगी जहाँ आपको एक लेटर पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर और सारे स्टूडेंट के आई कार्ड होने जरूरी हैं। तो अभी मैं यहाँ पर 2 लोगों का टिकट बुक कर रहा हूँ, तो 2 लोगों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऐड टू कार्ड करना होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टिकट का रेट भी आ चुका है, यहाँ पर आपको किसी भी तरह के कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करने होंगे, सिर्फ 200 रुपये हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर सीट सेलेक्ट करना होगा। सीट सेलेक्ट करने पर गाइज आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड से जो है वो बुक्ड है और
ग्रीन यानी जो आप सेलेक्ट करेंगे वहीं अवेलेबल सीट की बात करूं तो ब्लू कलर से इसे दिखाया जा रहा है, तो कई सारे यहां पर सीट अभी खाली हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं इन सीटों के बीच में किसी तरह की कोई गैप नहीं दिखाई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जब आप अंदर जाएंगे तो कई सारे ऐसे सीट हैं जिनके बीच में काफी आने जाने का रास्ता है। आप देख सकते हैं अभी जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं ये 14 और 15, इन दोनों सीटों के बीच में आने जाने का रास्ता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों सीट एक साथ है बट एक साथ नहीं है। वहीं इस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सीट नंबर 5 और 6 जो है उन दोनों सीटों के बीच गैप है, तो इन बातों का खासा ख्याल रखिएगा। मैं इसे आगे आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा। खैर बात करूं यहाँ आगे प्रोसेस की, तो आपको यहाँ पर इसे सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म एंड पे करना होगा, और इसके बाद आप एक नए पेज पर चले आएंगे जहाँ पर आपको पेमेंट वगैरह करना है। और यहाँ पर आपको फिर से पे नाउ करना होगा, तो आपको UPI के माध्यम से या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपना पेमेंट कर पाएंगे। तो गाइस कुछ इस तरह का प्रोसेस है ऑनलाइन पेमेंट करने का, तो आइए मैं आपको सब सीधे अंदर लेकर चलता हूँ। और अगर आप ऑफलाइन टिकट लेना चाहते हैं तो ये रहा ऑफलाइन टिकट काउंटर जहां से आप टिकट कटवा सकते हैं। और गाइज यहां पर भी आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके लिए यहां पर लिंक दिए गए हैं, तो यहां से आप सर्च कर जो प्रोसेस अभी मैंने आपको पीछे दिखाया है उसके थ्रू टिकट बुक कर सकते हैं, और जो रेट है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। गाइज आप देख सकते हैं यहां पर एंट्री शुरू हो गई है 12 बजे वाली शो की, तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर का क्या सीन है, और अगर शो दिखाने की परमिशन होगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए फिर सीधे अंदर चलते हैं। तो गाइज लीजिए अभी हम आ चुके हैं इस प्लैनेटेरियम के अंदर, और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा इसका इंटीरियर है। और गाइज बात करूं शो की तो आपको वो फर्स्ट फ्लोर पर देखने को मिलेगा, तो चलिए फिर मैं आपको सीधे ऊपर लेकर चलता हूं। वैसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शो की टाइमिंग है वो आधे घंटे की रहेगी, बाकी के हाफ एन आवर आप जो गैलरीज है उसमें जाकर घूम सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस प्लेटफॉर्म से होते हुए सीधे शो की तरफ जा रहे हैं, और ये है प्रोजेक्टर रूम जहाँ से शो को दिखाया जाता है, ऑपरेट किया जा रहा है। तो गाइज आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर, और शो कैसा देखने को मिलेगा इस बार, क्या कुछ नया, क्या कुछ बदलाव किया गया, क्योंकि मैं 2 या 3 बार आ चुका हूँ, तो आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। और इस बार क्या कुछ नया है, क्योंकि कहा भी जा रहा है कि बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको याद होगा कि जब इसकी इनॉग्रेशन की गई थी तो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो गैलरी है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर। पर ये देख सकते हैं थिएटर का एंट्री गेट है, और यहाँ से होते हुए आप सीधे अंदर जाएंगे। भैया तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या कुछ शो है, कैसा शो आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज लीजिए अभी हम इस थिएटर के अंदर आ चुके हैं, और आपको मैं बता दूं कि जो सारे शो हैं वो सभी 3D शो होने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 3D ग्लासेस भी दी गई हैं। तो गाइज अगर आप टिकट बुकिंग करेंगे ऑनलाइन तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सीट का इधर उधर हो सकता है। देखिए अब हमने सीट बुक किया था 2 लोगों का, 14 और 15 हमने टिकट बुक किया था, और देख सकते हैं उस साइड वो लोग रह गए और इधर हम हैं। तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय ये चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा। बाकी शो स्टार्ट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। साढ़े 6 करोड़ वर्ष पहले की बात, धरती मुसीबत में थी। एक विशाल एस्टेरॉयड आसमान से गिर गया, एक के साथ जुड़ी दूसरी आपदा खड़ी होने लगी। ऐसे बन जाएंगे संपूर्ण मानव। डायनासोर का आधिपत्य होता दुनिया पर, धरती से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष मौजूद। तो गाइज इस तरह की बहुत सारी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और आप लगातार 2 शो भी देख सकते हैं। पिछला शो जो था वो स्टार्स के बारे में था, और ये एस्ट्रॉइड के बारे में था। तो गाइज फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पटना और बिहार से जुड़ी ऐसे ही तमाम अपडेट पाने के लिए तो मिलता हूँ मैं आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।